ये लीगल है, ये ऐसी वीडियोस आएंगी किसी के बाप की औकात नहीं, जो किसी भी कोई भी बॉबल लेके आ जाना अपनी। क्या हाल है मेरे भाइयों के, बहुत दिनों बाद तुम्हारा भाई फिर से एक और सुहाने दिन में आ चुका है। सेम टाइम है भाई, इसी टाइम पे हमेशा निकलता हूँ मैं, जिस चीज़ का डर रहता है कि भाई अंधेरा हो जाएगा तभी निकलने का मूड करता है, वरना तो कहाँ ही निकलता हूँ भाई मैं। देख रहे हो भाई, कैमरा सेटअप अपग्रेड हो चुका है, अभी पॉलिथीन भी नहीं उतारी है तुम्हारे भाई ने। आज मैं अपने हेलमेट पे रैप करवाने जा रहा हूँ, दुनिया ने मेरे को इतनी गाली बकी है, बहुत गाली बकी है भाई इसके चक्कर में। और रैप कराने का भाई फ़ायदा क्या है, रैप कराने का फ़ायदा ये है कि भाई मेरे को 3,000 रुपये 4,000 रुपये और स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे फालतू का खर्चे पे। ये फालतू का खर्चा मेरा नया हेलमेट है, साल भी नहीं हुआ है। अच्छा चलो एक चीज़ ये सुनो माई फेवरेट पार्ट ओके भाई, एयर फिल्टर चेंज करने से इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है मेरे को रियल लाइफ में। मतलब लोग क्या से देखते हैं ना भाई, जो मेरे को एक एक दो अगर तुमने कमेंट पढ़े होंगे तो मेरे दोस्त यार भी मुझे फॉलो करते हैं जो सेम बाइक लिया, जिन्होंने ये देखा देखी ऑब्वियसली उनको पसंद आई तभी ली है, तो भाई उन्होंने भी चलाई है बाइक और उनकी बाइक और मेरी बाइक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने ये हेलमेट लिया था कुछ 2300 रुपये का लिया था, 2200-2300 का लिया था, 2200 का लिया था जहाँ तक याद है मुझे। अब भाई 2200 रुपये खर्च करके एकदम सही हेलमेट है, वो स्क्रैच भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ है, वाइज़र भी अच्छा है। अब भाई मैं इसके ऊपर फिर से इन्वेस्टमेंट करूँ और ये वेस्ट हो जाएगा, या अगर मैं बेचता भी हूँ उसको, पहली बात तो कोई ख़रीदता नहीं है भाई सेकेंड हैंड हेलमेट जब तक कोई अच्छी क्वालिटी के ना हो, ठीक है। और हेलमेट का एक चीज़ और मैंने सुनी है और देखी है, जो भी भाई प्रॉपर बाइकर्स होते हैं ना भाई, एक बार हेलमेट गिरता है ना उसके बाद वो यूज़ नहीं करते हैं, वो एक बार हेलमेट गिरने के बाद उनके लिए वेस्ट हो जाता है। और उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, मेरे को कुछ स्टडी मिलेगी तो मैं डाल दूंगा, एक बार हेलमेट गिरने के बाद ना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो इसीलिए भाई सेकेंड हैंड हेलमेट कोई ख़रीदता नहीं है जिसको नॉलेज होगी। दूसरी बात यह है, जिसको नॉलेज होगी वो भाई क्यों ही लेगा ये हेलमेट छपरी सा। तो उसको साफ़ करते हैं भाई, देख रहे हो Insta360 का बैठे, तुम्हारे को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा भाई मैं अब ये देख रहे हो हेलमेट, देखो यार मतलब बहुत ही अलग सीन है भाई हेलमेट का, यह होना चाहिए भाई। अब देखते हैं Day two. क्या हाल है मेरे भाइयों के, कैसा लग रहा है सेटअप आज का भाइयों। मतलब ये डे टू है, मैं कल भी गया था, मैंने शायद पहले एक्सप्लेन कर दिया है, वरना मैं समराइज़ कर देता हूँ। सब मेरी बाइक की तारीफ़ करते हैं, मेरे मॉड्स की तारीफ़ करते हैं, मेरी खुद की तारीफ़ करते हैं कि तेरी पर्सनैलिटी पे बाइक बहुत अच्छी लगती है, बट भाई हेलमेट को देख के लोग मुझे गाली देते हैं जो मेरे नोन्स हैं भाई तो भाई मैं कल निकला था, अब भाई वो कल था ट्यूसडे और मैं रहता हूँ यूपी में दिल्ली NCR, तो भाई वो रहती है बंद। और हाँ ये तो पता ना भूल ही गया भाई, मैं मेरे पास 10-15 नंबर प्लेट्स का ऑर्डर आया था भाई। देखो मैं तुम्हें सच बताऊँ, मेरा बिज़नेस ही ऐसा है, मेरा फील्ड ही बिल्कुल अलग है, ये तो मैं शौक के तौर पर लोगों की हेल्प कर देता हूँ, तो मतलब एक होता ना समाज सेवा, बीच में बिना कुछ रखे अपना भारी भार उनका करवा देता हूँ। जैसे लोग एयर फिल्टर ऑर्डर करते हैं मेरे थ्रू तो 10% डिस्काउंट दिलवा देता हूँ उनको डायरेक्ट कंपनी से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं क्या करूँगा, मेरे को भाई बस ये है सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को सब्सक्राइबर्स का लालच है मेरे को, पैसे वैसे का तो भाई बहुत कमाए हैं भगवान ने, बहुत अच्छा दिया है तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है, बट हाँ कई बार अब पैसे लगाते हो बाइक में डर लगता है भाई। देखा भी नहीं है, इनने पूछ के आता हूँ एक बार। सर एक चीज़ जाननी है आपसे, एक चीज़ जाननी है एक नॉलेज के लिए, ये जो साइड नंबर प्लेट होती है बाइक में अभी ली है, तो ये लीगल होती है, इलीगल होती है? ये लीगल है, ये है दिल, मतलब ये RTO वाली नंबर प्लेट है, बट ये लीगल है साइड लगाना कि इलीगल है? अच्छा वैसे अगर जैसे इलीगल है, इसको इलीगल ही माना जाता है कि नॉर्मल?
हाँ जी अच्छा, क्योंकि पीछे की साइड में मडगार्ड आपने देखा होगा छोटा है, ऐसी है ऐसी, जिस बंदे से खरीदी है ऐसी है वो, तो ठीक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू अंकल जी। खुश भाई यार, वैसे कभी फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, अगर तुम, मैं दोबारा रीप्ले कर देता हूँ वीडियो, तो ठीक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, नहीं देखते भाई, कौन बोलता भाई लीगल है, कुछ इलीगल नहीं है भाई, अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट जगह पे रह रहे हो। अब वो स्ट्रिक्ट जगह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है, एक कमेंट आया था एक बंदे का, भाई चंडीगढ़ में लेना बढ़िया है कि नहीं है। अब बिना किसी मॉड के भाई इस बाइक को लेना बेवकूफ़ी है, मतलब अगर तुम ले लोगे तुम्हें डीवी किलर निकलवाना पड़ेगा, एयर फिल्टर चेंज कराना पड़ेगा, स्पार्क प्लग चेंज कराना पड़ेगा, तो ही मज़ा आएगा, वरना भाई वरना एकदम बेकार लगेगा तुम्हें इसको चलाने में। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कट बोल दूँ, हर वीडियो में बोलूँगा आपसे अगर याद रहेगा तो, कि अगर तो उसमें मॉड्स कराओगे तो ही लेना, वरना बिना साउंड के बिना पावर के ये भाई कुछ नहीं है। और तुम सोचोगे कि पावर है, भाई पावर है स्टॉक के अंदर, बट भाई जो जिस चीज़ का पैसा वसूल वाली फीलिंग है ना वो स्टॉक के अंदर नहीं है। अभी मैंने इसके अंदर मेन जो चीज़ें होती है ECU वगैरह वो मैंने अनलॉक नहीं करा है, मतलब कंपनी की तरफ से जो ECU होता है इसका दिमाग, इसका जो फ्यूल रेशियो वगैरह सब सेटल करता है, तो जो ECU है भाई वो इसका स्टॉक है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मतलब मेरी वारंटी भी वाइड हो और बाइक को नुकसान भी हो, बट जितना मैंने कर रहा है उससे बाइक को फ़ायदा ही हुआ है। तो भाई एक बार किसी ने मेरी बाइक चला ली ना तो वो अपनी स्टॉक चला ही नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है, तो क्योंकि भाई जो पावर ये मुझे अब डिलीवर कर रही है, जो पिकअप, जो स्पीड, जो मैं इससे अचीव कर पा रहा हूँ, जो मज़ा, जो पब्लिक अटेंशन ले पा रहा हूँ मॉड करके, मडगार्ड वगैरह छोटा करा के, साइड के नंबर प्लेट, ये छोड़ भी दो, पावर के लिए चाहिए तो प्योरली मैंने एयर फिल्टर और वो करवाया है स्पार्क प्लग चेंज, वो करवा के मैं जो मैं मज़ा ले रहा हूँ ना भाई वो तुम्हें लेना चाहिए। और अगर तुम्हें एयर फिल्टर चाहिए तो मैं डिस्काउंट दिलवा दूंगा, ब्रांड से भी ज़्यादा, मतलब जो ब्रांड देते हैं उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम की आईडी राइट साइड में आ जाएगी। देखते हैं भाई क्या पैसे मांगता है, क्या क्या मुँह खोलेगा भाई अपना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, जब भी मेरे टायर की हवा कम होती है मैं लोकल शॉप पे जाता ही नहीं हूँ, इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट्स अपने पास रखे हुए हैं जिसके थ्रू मैं फटाफट चुटकियों में भाई हवा भर दूं। मैंने पहले भी काफ़ी एयर इन्फ्लेटर्स प्रमोट किए हैं चैनल पर, वो भी अच्छे हैं तभी प्रमोट किए हैं। अब ये कोस्टार का कॉस्मोस वाला टायर इन्फ्लेटर है और ये स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर है इसकी, भाई ये उससे ज़्यादा एडवांस है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना वाला बेकार था, वो बजट के हिसाब से है कि आपको वो लेना है ये लेना है, ये स्लाइटली थोड़ा सा महंगा है लेकिन प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, इससे प्रीमियम कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में मेरे को दिखा नहीं है अवेलेबल। इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट्स आती हैं भाई, एक तो वही पुरानी वाली अटैचमेंट्स होती हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में दिखाई थी, जो कि सारी बेसिक वाली हैं। अब इसके साथ में एक ये कार का चार्जिंग के लिए अलग से आता है कि कार से चार्जिंग करनी हो तो ये कार चार्जर में लग जाएगा, वहाँ पे जो कार का इनपुट का स्लॉट होता है एंड देन वहाँ से चार्ज हो जाएगा। साथ में ये हाई क्वालिटी की अटैचमेंट मिलती है जो इसके अंदर फिट होगी, देन टायर के अंदर फिट होगी एंड देन उसके बाद आप भर सकते हो, और ये इतने अच्छे तरीके से ब्रेडेड है, इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं भाई सालों साल। और बॉक्स के अंदर ये री टाइप सी केबल, ये पाउच बड़ा सा, और सारी की सारी अटैचमेंट जिससे आप कर सकते हो। और साथ में ये देख रहे हो सबसे बेस्ट बात, फ्यूज़,
एक इसमें फ्यूज़ भी दे रखा है, बाई चांस कभी फ्यूज़ उड़ता है इसका तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो उसको। ये ऐसे भरेगा कुछ और फटाफट भाई एकदम यूं भर जाती है हवा, आप देखो बस इजी से भाई, कोई इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और भाई जो भी मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाई है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप वो बुक कर सकते हो, मैं चीपेस्ट रेट में दिलवा दूंगा। और इस बाइक को कैसे मैंने फास्टेस्ट बनाया है पूरे इंडिया के अंदर, सबसे फास्टेस्ट जावा 42 बॉबर है ये मैं क्लेम करता हूँ। कोई भी आ जाओ, किसी भी कोई भी बॉबर लेके आ जाना अपनी, मेरा दावा है भाई, ठीक है। और बहुत ही जल्दी ऐसी ऐसी वीडियोस आएंगी, किसी के बाप की औकात नहीं जो वो कर सके, मैं सच बता रहा हूँ, मैं फेंक नहीं रहा, आपको दिख जाएगा ऐसी ऐसी वीडियोस आएगी, किसी की औकात नहीं है कोई इतना पैसा लगा दे अपनी इतनी कम प्राइस की बाइक के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ मैसेज कर देना अगर आपको बहुत चीज़ें जाननी हो, फास्ट कैसे बनाइए, वीडियो आने से पहले चीज़ें जाननी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, डेफिनेटली मैं उसके अंदर आपकी हेल्प करूँगा बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। जिसके अंदर जैसे मैंने स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर वगैरह जो भी चेंज कराया आफ्टर मार्केट, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा चीपेस्ट रेट के अंदर, ठीक है। तो तब तक के लिए आगे की वीडियो एंजॉय करो। क्या हाल है मेरे भाइयों के, एक और सुहाना दिन एक और सुहानी वीडियो के साथ आपका भाई फिर से आ चुका है। ये है डे 3, मैं ये वीडियो शायद बनाता ही नहीं, बट हाँ अब डे 3 के अंदर ये है कि जो मैंने हेलमेट का करवाया था उसमें दो चीज़ें मिसिंग थी, एक तो उसका स्टिकर मिसिंग हो गया था, मतलब इनके पास स्टिकर अवेलेबल नहीं था AGV का जो कि मैं इस पर लगाने वाला था, तो मैंने वन डे डिलीवरी के अंदर अमेज़ोन से मंगवाया। दूसरा भाई जो हेलमेट के ऊपर रैप करवाया था उसने बाइक के हिसाब से कर दिया, बाइक में क्या करते हैं खींच के करते हैं ताकि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन हो सके ना चिपकने के बाद में उतना ज़्यादा फ्रिक्शन रहे इसके अंदर, ठीक है। तो ये जान के खींच के करते हैं, अब इसने वही लॉजिक लगा के हेलमेट में कर दिया, उसकी वजह से पूरे बबल्स आ गए, हेलमेट टेढ़ा मेढ़ा हो गया हर जगह से, मतलब ऊपर वाले साइड में 3 पार्ट में लगवाई थी मैंने, ये लगवा तो मैं 1 पार्ट में भी सकता था बट फिर मैंने सोचा कि अगर कोई चीज़ ख़राब होती है, स्क्रैच होती है, फटती है तो मेरे को पूरा का पूरा चेंज कराना पड़ेगा, बट 3 पीस के अंदर मैंने करवाया है तो उसके अंदर क्या होगा कोई भी पार्ट में नुकसान होता है तो मैं झेल सकता हूँ। बबल्स के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा अगली लग रहा है हेलमेट, जबकि इतना सुंदर था। अब मेरे पास स्टिकर्स आ गए हैं, स्टिकर्स वैसे भी लगाने थे मुझे, शुक्र है मैंने कल नहीं लगाए क्योंकि कल ही आ गए थे रात को, तो एक तो वो काम करना है मुझे। थर्ड ये है भाई कि मेरे सब्सक्राइबर्स का ऑर्डर डिस्पैच करना है, 5 से 6 सब्सक्राइबर्स ने मेरे को ऑर्डर किया था एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और नंबर प्लेट, ये तीनों मेरे को, मैंने 3 ऑर्डर कल निकलवा दिए थे, 2 आज निकलवा रहा हूँ, सबको फ्री भी छोटी छोटी चीज़ें दे रहा हूँ। भाई देखो जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है मैं गिफ्ट तो दे ही रहा हूँ सबको अपनी तरफ से, मेरे पास कोई ब्रांड का अगर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होता तो जो जिन्होंने ऑर्डर किया उनमें से ही भाई गिव अवे कर देता मैं, क्योंकि वो लोग सपोर्टिंग है ना थोड़े से, मतलब मेरे थ्रू कर रहे हैं तो मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, मुझे मिल कुछ नहीं रहा, मुझे इसमें सच बता रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, ये जो भी मेरा पेट्रोल लग रहा है मेरी जेब से लग रहा है, पैकिंग चार्जेस मेरी जेब से लग रहे हैं, शिपिंग चार्जेस मैं कस्टमर से ही लेता हूँ, मतलब अपने सब्सक्राइबर से ही लेता हूँ, तो मेरे को बच नहीं रहा, लेकिन इससे मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि मैंने इतना काम दिया है ब्रांड को तो वैल्यू बढ़ती है, तो फ्यूचर के अंदर ब्रांड मेरे से बहुत अच्छे से पेश आएगा, समझ रहे हो बात को। चलो पहुँच गए हैं भाई, Moments later. देखो भाई देख रहे हैं लोग, हाँ मैं भाई माइक ही भूल गया था अपना, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, अब हो गया भाई मेरा हेलमेट का काम जो था, अब तो रात हो गई है, अब कल अब सारे सिनेमैटिक शूट करूँगा। Crazy.